अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हरम शरीफ से वायरल इस वीडियो के अंदर एक खातून ने हजरत असवद को बोसा देने के लिए कुछ ऐसा किया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल होने लगी। लाखों लोगों की मौजूदगी में जब हरम शरीफ की इंतज़ामिया ने लोगों को हजरत असवद तक पहुँचने से रोक दिया, तो ऐसे वक्त में एक खातून ने हजरत असवद को बोसा देने के लिए जो किया और फिर उसके साथ हरम शरीफ की सिक्योरिटी वालों ने क्या किया, आगे इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, हर एक मोमिन की ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत और हज उमरे की तौफीक मिल जाए। और जब कोई हरम शरीफ में पहुंच जाता है तो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से जन्नती पत्थर यानी हजरत असवद को बोसा देने का मौका मिल जाए। बहुत से खुशनसीब लोगों को यह मौका मिल जाता है और कुछ लोग इस नेमत से महरूम रह जाते हैं। इस वीडियो में आप एक खातून का जज्बा देखिए कि जब हरम शरीफ की इंतज़ामिया ने हजरत असवद की सफाई वगैरह के लिए या किसी और मकसद के तहत लोगों को हजरत असवद तक पहुंचने से रोक दिया था, तो ऐसे वक्त में इस खातून से रहा न गया और ये लाखों के मजमे से निकलकर हजरत असवद की तरफ चल पड़ी और बहुत कोशिश किया कि हजरत असवद तक पहुँच जाए और उसे बोसा दे दे। लेकिन हरम शरीफ के एक सिक्योरिटी अहलकार ने उसे हजरत असवद तक पहुंचने से रोक दिया, क्योंकि इस तरह से किसी एक को हजरत असवद को बोसा देने का मौका देने से निज़ाम में गड़बड़ी पैदा हो जाती और दूसरे लोग भी ऐसा करने की कोशिश करने लग जाते, जिससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। लेकिन इस खातून का जज्बा और शौक काबिले तारीफ है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक ईमान वाले को ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा हज उमरे की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।